हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ स्टूडेंट। क्लास सेवन का था एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया। 13.2 है क्या? 13.2 का ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले स्टूडेंट, हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर को, क्लास सेवन के वेरी फर्स्ट लेक्चर, मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर का वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आपके 6 और 7 फार्मूला, 7 फार्मूले दिया था, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर इस वीडियो को देखिए और सॉल्व करिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, मैथ को फील करिएगा। चलिए, और ये सॉल्व करने के पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोला है कि यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है ना, एक्सपोनेंट के नियम का यूज करना है, और सिंप्लीफाई करना है मतलब सरलीकरण करना है, एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आंसर जो लिखोगे आप, उत्तर जो लिखोगे एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में लिखोगे, पावर के ही फॉर्म में लिखोगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे देखिए, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। ठीक, तो देखिए बेस क्या है, सेम क्या है, बेस सेम, तो कौन से फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे देख लीजिए। ए की पावर फार्मूला का यूज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, जिससे ऐसे आएगा तो कुछ ठीक रहेगा। ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इक्वल क्या होता है, ए की पावर एन प्लस एन, जिसके बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं। इसी तरह देखिए बेस सेम है, 3 3 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। केवल और केवल ये फार्मूले पे ध्यान रखना है और बाकी आपसे तो बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ऐड कर दीजिए, 2 4 क्या होता है 6, और 6 और 8 कितना होता है 14। ठीक, कितना हो जाएगा 14, तो 3 की पावर 14, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 6 की पावर 15 डिवाइड बाई 6 की पावर 10। अब देखिए कौन से फार्मूला का यूज करना है स्टूडेंट, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, क्या होता है, जिसके बेस सेम होते हैं, सॉरी एक है डिवाइडेड का फार्मूला लगे, क्या है, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ पे भी डिवीजन का फार्मूला रहेगा, ए की पावर एम, ए की पावर एन, तो बेस क्या है सेम, तो क्या होता है जब बेस सेम होते हैं और डिवाइडेड होता है, बटे में होता है, अपॉन में होता है, जो भी बोलो, या भागे में होता है, तो क्या होता है m की पावर माइनस n, क्या होता है बेस सेम हो तो क्या पावर क्या जाते हैं माइनस, डिवीजन में। तो यहाँ देख लीजिए बेस सेम है 6 और 6, तो 6 6 की पावर कितना 15 माइनस 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 15 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 5, क्या हो जाएगा 6 की पावर 5, 15 में से 10 चला जाएगा, क्या आएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। आप देखिए इसमें क्या है, वही फार्मूला फर्स्ट वाला जो है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन होता है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 5, क्या हो जाएगा ए की पावर 5 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे समझिएगा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, एक बार देखोगे और कभी नहीं भूलोगे। ठीक, 3 और 4th नंबर देख लीजिए, इसी तरह है एक्स की पावर 7, ओ सॉरी 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए वही फार्मूला, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल ए की पावर एम प्लस एन, यहाँ से देख लीजिए एक्स की पावर 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 2 का आंसर हो जाएगा। आप देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 5 पावर 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब इसमें देखिए दो फार्मूला का यूज होगा, पहला फार्मूला तो जो यूज होने वाला है ए की पावर एम का होल पावर एन, क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन, और एक जो दूसरा फार्मूला यूज होने वाला है स्टूडेंट, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, क्या होता है ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, दो फार्मूला का यूज हो रहा है इसमें। चलिए सबसे पहले इसको करें यूज, 5 की पावर कितनी है 2, ठीक, और उसका होल पावर 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, क्योंकि सेम बेस क्या है सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर
वन, तो ये क्या आ जाएगा फाइव, या फाइव या ए भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स नंबर है, टू की पावर फाइव और फाइव की पावर फाइव। ठीक, आप देखिए बेस सेम नहीं है, पावर क्या है सेम है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। तो देखिए कौन सा फार्मूला का यूज होगा इसमें, ए की पावर, यहां से देख लीजिए, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, क्या हो जाएगा ए इंटू बी का पावर एम। ठीक, यहां देख लीजिए टू इंटू फाइव की पावर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, और टू इंटू फाइव क्या हो जाएगा टेन, टेन की पावर क्या हो जाएगा फाइव, तो टेन की पावर फाइव ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए की पावर फोर इंटू बी की पावर फोर। तो ये आप होमवर्क है आपका, इसको आप करिए सॉल्व और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जस्ट लाइक दैट, है ना। फर्स्ट ए सिक्स की तरह ही सेवन है। चलिए सेवन नंबर भी देखिए, एट नंबर भी बहुत इजी है, थ्री की पावर फोर और थ्री। तो ये भी आप होमवर्क में कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क आंसर है, एक क्वेश्चन है और ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। और इसको कहाँ करना है आंसर, कमेंट बॉक्स में, आंसर कमेंट बॉक्स। ठीक, आंसर हमें चाहिए आज के आज कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है स्टूडेंट, टू की पावर ट्वेंटी डिवाइड बाई टू की पावर फिफ्टीन इंटू टू की पावर थ्री। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। सबसे पहले कौन सा फार्मूला होगा यूज होगा, ए की पावर यम डिवाइड बाई ए की पावर यन। ठीक, क्या होता है ए की पावर यम माइनस यन। तो यहां से देखिए टू की पावर ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन और इंटू क्या हो जाएगा टू की पावर थ्री। तो यहां देख लीजिए टू की पावर क्या हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन की फाइव हो जाएगा, और अब क्या बचा यहां से, तो देखिए इसको हटा देते हैं, तो टू की पावर थ्री। अब देखिए कौन से फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। तो यहां से देख लीजिए टू की पावर फाइव इंटू प्लस थ्री, पावर क्या है डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है सेम, तो टू की पावर एट, क्या हो जाएगा आंसर टू की पावर एट। अब देखिए लास्ट वन स्टूडेंट, टेन नंबर क्या है, टेन नंबर है एट की पावर टी डिवाइड बाई एट की पावर टू। ये तो आप लोग कर लोगे, बहुत ही इजी है, बेस सेम है, जस्ट ये फार्मूला का यूज करना है। ये भी हमें कहां चाहिए, होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, और कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, आंसर कहां चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए, जिससे आपका मानसिकता जो मेंटेलिटी पावर है और कैलकुलेटिव पावर है वो बिना पेन और कॉपी का भी कर सकते हैं, इसको अपने मन में करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ओके स्टूडेंट, पॉज वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, बोला है कि सरलीकरण कीजिए और एक्सप्रेस, प्रत्येक को एक्सप्रेस करिए किस पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम, टू की पावर कितना है थ्री, थ्री की पावर फोर और फोर इंटू फोर है और थ्री की पावर थर्टी टू। तो चलिए फोर को सबसे पहले किसमें तोड़ लेंगे, फोर को टू इंटू टू, टू टू जब फोर होता है टू की पावर टू कितने टाइम्स, टू टाइम। अब थर्टी टू को भी इसलिए तोड़ लेते हैं, टू किसमें टूटेगा टू से, टू के अकॉर्डिंग टूट जाएगा टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन और सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, तो टू की पावर कितना फाइव। तो यहाँ से चलिए राइट अप कर लेते हैं, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर फोर इंटू टू की पावर टू। अब यहाँ पे देखिए थ्री इंटू थर्टी टू कितना हो जाएगा टू की पावर फाइव। ठीक, अब एक बार हम यूज कर लेते हैं किसका, किस फार्मूला का, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, क्या हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एम, सॉरी एम प्लस एम। तो यहाँ देखिए टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर फोर और सॉरी टू की पावर थ्री और टू की पावर टू, तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू थ्री की पावर फोर अपॉन में थ्री इंटू टू की पावर फाइव। यहाँ देख लीजिए टू की पावर थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा और थ्री की पावर फोर अपॉन कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू की पावर फाइव। ठीक, अब देखिए कौन से फार्मूला का यूज करेंगे हम, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, यूकल ए की पावर एम माइनस एन।
ठीक, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एफ। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखिए टू की पावर कितना है, फाइव। आप देखिए टू की पावर फाइव तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह थ्री की पावर फोर माइनस वन। तो यहाँ देख लीजिए टू की पावर जीरो इंटू थ्री की पावर थ्री और टू की पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो वो क्या आएगा, वन हमेशा, ठीक ऑलवेज। तो क्या टू की पावर जीरो वन इंटू थ्री की पावर थ्री, तो आंसर क्या जाएगा थ्री की पावर थ्री। ओके स्टूडेंट फर्स्ट, ठीक दिस इज योर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है कि फाइव की पावर टू का होल पावर थ्री इंटू फाइव की पावर क्या है फोर डिवाइड बाई फाइव की पावर सेवन। ठीक आप चलिए सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा देख लीजिए, ए की पावर एम का होल पावर एम क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एम क्या हो जाता है, एम इंटू एम। तो सबसे पहले ये फार्मूला का यूज होगा, फाइव की पावर टू, टू थ्री जा सिक्स कितना हो जाएगा, फाइव की पावर सिक्स इंटू फाइव की पावर फोर डिवाइड बाई फाइव की पावर सेवन। अब यहां से देखिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इक्वल क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एम। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाइव की पावर सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव की पावर सेवन। ठीक अब यहां देख लीजिए कि फाइव की पावर सिक्स और फोर कितना होता है, टेन, सिक्स प्लस फोर टेन और डिवाइडेड बाई फाइव की पावर सेवन। तो अब कौन सा फार्मूला का यूज होगा, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एम, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एम। अब डिवीजन में अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाते हैं, माइनस। तो फाइव की पावर टेन माइनस सेवन इक्वल क्या हो जाएगा, फाइव की पावर थ्री। दिस इज हियर आंसर। तो आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइव की पावर थ्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 25 की पावर क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक अब इसमें तो देखिए 25 को क्या हम बना सकते हैं, 25 को तोड़ देंगे 5 इंटू 5 में, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो 5 की टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। तो इसको 5 की पावर 2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई फाइव की पावर थ्री। अब कौन से फार्मूला का यूज होगा इसमें, ए की पावर एम इंटू का होल पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। तो सबसे पहले इस फार्मूला का यूज होगा, फाइव की पावर टू फोर जा एट डिवाइड बाई फाइव की पावर थ्री। अब देख लीजिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एम इक्वल ए की पावर एम माइनस एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा तो 5, 5 की पावर 5। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए यहां से, 3 इंटू 7 की पावर क्या है, 2 इंटू 11 की पावर 8 है अपॉन में 21 इंटू 11 की पावर 3। तो देखिए सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे, 3 की पावर 3 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8, तो इसको किस में तोड़ेंगे, 3 इंटू 7 मतलब 3 7 जो 21 और 11 की पावर 3। ठीक अब कौन सा फार्मूला का यूज कर लेंगे इसमें, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो देखिए 3 की पावर क्या है 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और इंटू देखिए 7 की पावर कितना है 2 और ये क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 11 की पावर 8 और डिवाइड माइनस क्या हो जाएगा 3, क्या है ये सब डिवीजन में है, क्या है डिवीजन में, तो इसलिए 3 की पावर 3 तो 1 माइनस 1 और 7 का पावर 2 और 7 की पावर 1 जहाँ पे कुछ नहीं रहता उसकी पावर 1, तो 2 माइनस 1 11 माइनस 8। तो यहाँ से देख लीजिए 3 का पावर क्या हो जाएगा 0 और 7 का पावर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से 11 का पावर क्या हो जाएगा 5, 8 में 3 है 5। तो यहाँ से देखिए किसी भी नंबर का अगर पावर क्या हो 0 तो क्या होता है वो 1 होता है। तो यहाँ देख लीजिए 1 इंटू 7 इंटू 11
की पावर 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 × 11 की पावर 5, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है 3 × 7 / 3 / 4 × 3। ठीक, अब देखिए इसमें किस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, बेस क्या है सेम है, तो a की पावर m, चलिए यहां से किनारा लिखता हूं तो सही रहेगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर क्या, सबसे पहले a की पावर m इंटू a की पावर m क्या होता है, a की पावर m प्लस m, फिर कौन सा फार्मूला का यूज होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ठीक, चलिए यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 7 / क्या होगा 3 × 4 + 3 / 3 है तो एक ऐड हो गया, तो 3 × 7 / 3 / 7 तो क्या हो जाएगा 3 × 7 माइनस, अब कौन से फार्मूला का यूज होगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n माइनस 7, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 × 1 सॉरी 7 कितना होता है 0 होता है, तो देखिए अब कौन से फार्मूला का यूज होगा, a की पावर 0 = 1 तो क्या हो जाएगा यहां से 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह 6 में, चलिए एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, चाहे इसको सॉल्व करा लीजिए चाहे इसको करा लीजिए। ठीक, 2 × 0 + 3 × 0 + 4 × 0। ठीक, तो अभी कौन सा फार्मूला, a की पावर 0 = 1, तो a की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 × 0 = 1, 3 × 0 = 1 और 4 × 0 = 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 और 2 + 1 = 3, क्या हो जाएगा 3। इसी तरह ये है, इसमें मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1 और 1, 1 उनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर कहां चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में चाहिए, किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 3 × 0 + 2 × 0 × 5 / 0। ठीक, तो देखिए कौन सा फार्मूला का यूज होगा इसमें, a की पावर 0 = 1, तो सबसे पहले ये यूज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, इंटू 5 / 0, यहां से क्या हो जाएगा 1 × 1 = 2, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, इंटू 5 / 0, तो 5 / 0 क्या 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 9, ये कुछ धमाकेदार क्वेश्चन है, 2 × 8 / 4 × 3 × 3। ठीक, सबसे पहले तो 4 को तोड़ देंगे, किसमें तोड़ देंगे, क्योंकि इधर 2 है तो 2 के बेस में ही तोड़ेंगे, तो a की पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 2 / 3 इंटू ए की पावर 3, यहां देख लीजिए 2 × 8 × 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की पावर, कौन से फार्मूला का यूज कर रहे हैं अभी हम, a की पावर m इंटू n इक्वल क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, और एक फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 और a की पावर 3, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको तो हम यूज कर दिए, अब ये वाला यूज करेंगे a की पावर 8 - 6 इंटू ए की पावर 5 - 3, तो यहां से देखिए 2 की पावर 8 - 6 गए तो 2 की पावर 2 और यहाँ देखिए 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2 5 की पावर 2। ठीक, तो ये देख लीजिए अब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 की पावर 2 a² / 2 हो जाएगा, कौन सा फार्मूला का यूज कर दिया, a की पावर मान लीजिए m और b की पावर m, तो क्या हो जाता है a b का पावर m, ठीक, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th नंबर, देखिए 10th नंबर का सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या करेंगे इसको, आप a की पावर 5 / a की पावर 3 × a की पावर 8, तो a की पावर 5 / a की पावर 3
इन टू ए की पावर कितना है 8। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और एक कौन से फार्मूला का यूज करने वाले हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से a की पावर 5 तो a की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू ए की पावर 8। यहाँ से 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 कितना 2, 5 में 3 गए तो 2 और a की पावर 8, a की पावर क्या 8 तो क्या हो जाएगा, अब देखिए बेस सेम है तो a की पावर 2 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, a की पावर 10। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात रही, क्वेश्चन नंबर 11 की देखिए, 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8, ए भी इंटू में लगा दो, बी की पावर 3, जहां कुछ नहीं लगा है वो मान लीजिए इंटू में यह है, ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2 मतलब बी स्क्वायर। अब चलिए कौन से फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इक्वल ए की पावर एम माइनस एन। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए 4 की पावर कितना है 5, तो 4 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, इसके बाद देख लीजिए a की पावर 8 तो a की पावर कितनी है 5, फिर देख लीजिए b की पावर कितनी 3 और माइनस का 2। तो यहाँ से देख लीजिए 4 का पावर कितना हो जाएगा 0 और a का पावर कितना है 8 में 5 गए तो 3, 8 में 5 गए तो 3 और b 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, अब किसी भी नंबर का पावर क्या होता है 0 तो क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी तो क्या हो जाएगा ए क्यूब और बी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, 2 की पावर 3 इंटू 2 का होल पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में किसमें आंसर मिलेंगे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।